वेलकम टू माई चैनल, आई एम चंद्रा एंड यू आर वॉचिंग नंगवाल चंद्रा। तो ऑस्ट्रेलिया की पैकिंग का मैंने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी जो ज़रूरी है लेना। अभी अलाई की पूरी पैकिंग, मतलब पैकिंग नहीं की हुई है, सामान रख दिया है, सारा सामान मैंने मतलब रख दिया है एक जगह पे, और मैं इन्हें पैक करूंगी। पैकिंग करने से पहले मैं आपको दिखा देती थी कितना सामान मैं लेके जा रही हूँ। और पैकिंग के लिए तीन बैग्स हैं, जैसे मेरे ये तीन बैग्स आप देख सकते हो, मेरी मम्मी शूट कर रही तो शायद ऊपर नीचे इसका रेशियो वगैरह हो सकता है। तो ये तीन बैग्स हैं मेरे, इसमें मेरा सामान जाएगा। इसके अलावा मेरे पास एक हैंडबैग रहेगा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई है मंदिर के लिए, अगर आप पूजा वगैरह करते हो तो आप ये चीज़ें लेके जा सकते हो। मेक श्योर करना कोई सॉइल वाली चीज़ें मत लेके जाना। तो जैसे मैंने ये एक मूर्ति ली थी माता रानी की, और ये एक मेरे पास गणेश जी की मूर्ति है, तो ये तो आप लेके जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, तो मैं ये लेके जा रही हूँ। इसमें एक बुक है और छोटी सी चीज़ें इसमें भी हैं। तो ये पहली चीज़ है, अगर वेट रहेगा तो मैं बॉक्स लेके जाऊंगी, और इसमें बॉक्स यहीं छोड़ दूंगी। तो ये फर्स्ट चीज़। सेकंड, इसकी वहाँ पे रेन होती है तो इसके लिए एक अम्ब्रेला और रेनकोट कुछ भी प्रेफर कर सकते हो। मैं रेनकोट भी लेके जा रही हूँ और अम्ब्रेला भी, वो मैंने ऑर्डर किया, अभी तक आया नहीं है। इसके अलावा अगर आप चेक करोगे ऑस्ट्रेलिया में क्या चीज़ लेके जा सकते हो क्या नहीं, तो सीड्स वाली चीज़ें मत लेके जाना, बाकी आप लेके जा सकते हो। तो ये मेरा फेस वॉश है, ये मेरा टूथपेस्ट है, और मैंने कॉफ़ी भी रखी है, अलाउड है, मैंने वेबसाइट से वेरीफाई किया था। ये फाउंडेशन है, क्योंकि ज़्यादा ग्रूमिंग का सामान मैं नहीं लेके जा रही। इसमें कोकोनट ऑयल है, परफ्यूम है, आइडेक्स वैक्स, और ये क्रीम है बेबी, ये जॉनसन बेबी वाली फेस पे लगाने के लिए। हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू है और एक और लोशन है। तो ये कुछ ऐसे नॉर्मल की तरह जो आपको चाहिए होगी। तो इसमें से भी आप सामान कम नीचे कर सकते हो, बट ये आपका चेक बैगेज में जाएगा, ये आपका कैरी ऑन बैगेज में नहीं जाएगा, तो उसमें आप ये अमाउंट लेके जा सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए कुछ कंटेनर्स, अगर आप वहाँ पार्ट टाइम जॉब करोगे तो आपके पास ना कंटेनर्स होने चाहिए, मतलब टिफ़िन वगैरह जो होते हैं, तो मैंने फ़िलहाल तो ये लिए हुए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और भी कंटेनर लिए हैं जिसमें आप लिक्विड वगैरह रख सकते हो, वो अभी आया नहीं है। इसके अलावा आपको सबसे पहले तो अपने ट्राउजर्स रखने हैं, तो मेरे पास है ये सारे मेरे ट्राउजर्स हैं। इसमें जीन्स है, ट्राउजर्स है, ब्लैक कलर, क्रीम कलर, वाइट कलर, ऑलमोस्ट मेरे पास सारे कलर हैं। तो ये आप अपने मतलब कंफर्ट के हिसाब से ले जा सकते हो। और ये मेरे अराउंड हैं 7 से 8 पेयर। इसके अलावा सॉक्स इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ सर्दी भी होगी, जिस हिसाब से ना मैंने ये मतलब 3 पेयर ये वाले रखे हैं, ठीक है, और 2 पेयर तो मेरे ये वाले हैं, ये जो गर्ल्स वाले होते हैं ना जिसमें आगे से अंगूठे वाले होते हैं, और बाकी मैंने नॉर्मल पेयर ये भी रखे हुए हैं, ये सर्दियों के रखे हैं, तो ये आप रख लो। तो मतलब ओवरऑल 6 पेयर्स तो मेरे ये दोनों मिला के हो रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास 10 to 12 पेयर हैं ब्लैक एंड वाइट नॉर्मल, जो एंकल लेंथ होती है इतने, ये वाले तो आप ये ले सकते हो, या आपको किसी भी नॉर्मल शॉप या फिर आप ब्रांडेड ले सकते हो। ये सॉक्स हैं। इसके बाद आपको लेके जाना है अपना टॉवल, तो टॉवल वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगी। और गाइस, इसके अलावा अगर आप अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह लेके जा रहे हो, आपको 10 पेयर रख लो, मैंने 10 से 12 पेयर रखे हैं। इसके अलावा मैंने ग्लव्स भी ले लिए थे, तो मेरे ग्लव्स मेरे पास 4 पेयर है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। इसके अलावा आपको लेके जाने हैं टी शर्ट्स, तो मैं ना टी शर्ट्स लेके जा रही हूँ। मेरा मोस्टली जो टी शर्ट्स का कलर है वो ब्लैक ही है, तो कुछ मैंने अलग कलर भी लिए हैं। इसमें क्रीम है, येलो है और रेड है, इसमें कम है, मतलब बाकी मैंने दूसरी जगह रखे हैं। यहाँ है कुछ मेरी टी शर्ट्स, जैसे आप देख सकते हो ब्लैक वाइट, ये एक पूरा कॉर्ड सेट लिया था, ये भी मेरा इसी कलर का है। और ये है, इसमें ना मेरे सारे ब्लैक और वाइट कलर के कपड़े हैं, तो ये मैंने रखे हुए हैं। ये जो जैसे फॉर्मल्स होते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या आप मार्केट वगैरह जा रहे हो, तो वो मैंने ना अलग से यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके अलावा शूज़ लेके जाने हैं, तो मैं फ़िलहाल 3 से 4 पेयर लेके जा रही हूँ। शूज़ जो मैं सेपरेटली लेके जा रही हूँ, ये है टोटल ब्लैक, ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि जो मैंने पहले खरीदे थे वो टोटल ब्लैक नहीं थे, तो ये फुल ब्लैक एक ये वाला पेयर है। और इसके बाद ये वाले मैंने आपको ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वीडियो पे शो कर दिए थे, ये वाले तो एक पेयर मैं लेके जाऊँगी। ये बॉक्सेस वगैरह मत कैरी करना, इससे क्या होगा ना वेट ही बढ़ेगा और स्पेस भी नहीं होगा। एक ये जो मुझे बहुत अच्छे लगता है, ये रेड टिप के वाइट वाले, मतलब ये वाइट पीची कलर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इस कलर को क्या बोलते हैं, ग्रीनिश टाइप में, तो ये लिए मुझे, मतलब मैंने मंगाए कुछ और थे तो मुझे ना ये वाले आ गए, तो मतलब मेरे को अच्छे लगे तो मैंने रख लिए, मैंने चेंज नहीं किए।
सो गाइस पैकिंग की वीडियो को पूरा देखना, बट उससे पहले कुछ अपडेट आपको देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल, एंड आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं थोड़ा सा डिले हूँ सबके रिस्पॉन्सेज करने में, क्योंकि थोड़ा सा वर्क भी चल रहा है, अभी ऑफिस वर्क चल रहा है मेरा, और पैकिंग की भी ज़्यादा स्टफ थी जिस वजह से पूरा का पूरा जो मेरा शेड्यूल है वो हैक्टिक है। बट गाइज यहाँ पे वी हैव अ सोल्यूशन, तो लिंक एक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको सिंपली से एक्सेस करना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इससे क्या होगा ना, सबसे पहले आपको इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, हम आपको डायरेक्टली कॉल करने वाले हैं। आई हैव माई ओन टीम, वी आर हेल्पिंग यू फॉर योर फाइलिंग प्रोसेस, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सर्विसेज आपको लेनी है इमिग्रेशन से रिलेटेड, आप डायरेक्टली मुझसे रीच आउट कर सकते हो। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में मेरे पास सब डिटेल्स होंगी तो वो ज्यादा ईजी रहेगा एज कम्पेयर देन मैं सारे प्लेटफॉर्म में जा करके सबको क्वेश्चन क्वेरीज की रिजोल्यूशन दूँ। बट हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट इफ यू वॉन्ट अ इंस्टेंट रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, तो गाइज आप ये लिंक को जरूर एक्सेस करेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए, वीजा फाइलिंग स्टेप वन से स्टेप एंड तक का, लाइक आपका ऑफर लेटर से लेकर के COE वीजा तक का, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो, वी आर हियर टू हेल्प यू। तो गाइज लिंक को एक्सेस करना मत भूलिएगा, सही डिटेल्स फिल करना ताकि हम आपको डायरेक्टली कॉल कर पाए। फॉर्मल्स के बाद आपको कुछ घर में पहनने वाले कपड़े चाहिए, वो भी आप सर्दी और गर्मी के दोनों रखना। मैंने अपने उसमें क्या किया है, घर में पहनने के लिए मैंने थोड़ा सा विंटर वियर भी रखा है और समर वियर भी रखा है। जैसे जो ये वाली कपड़ा है ना, ये फरी फरी सा है, तो ये ना मैंने विंटर्स के लिए रखे हुए हैं। तो ऐसे ही मैंने ना पूरे 2-3 सेट लिए हुए थे, तो ये विंटर वियर के लिए मैंने लिए, क्योंकि सामान इस साइड है तो मैं साइड शिफ्ट हो गई। तो इसके अलावा मैंने समर्स के लिए शॉर्ट्स रखे हुए हैं, 3 गर्ल्स कैरी कर सकते हो, लड़के भी क्या करते ही है। इसके अलावा ये मेरे पास कुछ टी शर्ट्स है जो मैं घर में पहनती हूँ, इसमें से मैं कुछ शॉर्ट करूंगी, कुछ नहीं ले जाने वाली है, मैंने फाइनलाइज नहीं किए, और ये मेरे विंटर्स के लिए है घर पे पहनने के लिए। तो ये मैंने ना अलग अलग कैटेगराइज करके रखा हुआ है कौन सा कपड़ा किस चीज के लिए है, ताकि इकट्ठा ऐसा ना लगे कि बहुत सारे कपड़े लेके जा रही हूँ। इसके अलावा सर्दियाँ हैं जैसे, तो सर्दियों के लिए मैंने एक ये वाला ब्लैंकेट लिया है, ये मैं आपको पूरा अभी टोटल एट द एंड में दिखाऊंगी कि मैं ब्लैंकेट वगैरह के लिए क्या क्या लेके जा रही हूँ, इसको तब तक मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये आपको एक लेके जाना है टॉयट्री बैग, तो इसमें अगर मैं कोई ये परफ्यूम हो गया, मॉइस्चराइजर वगैरह लेके जाऊंगी तो मैं इस बैग में रख लूंगी। तो ये बैग मैंने रखा हुआ है, अभी तक सामान नहीं रखा है इसमें। इसके अलावा आप पढ़ने जा रहे हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। मैंने अपने लिए 2 कॉपी ले ली है, एक मैंने प्लेन वाइट ली है, एक मैंने ना थोड़ा रफ में ली है, ठीक है। इसके साथ मैंने ब्लैक ब्लू पेन भी ले ली है, मतलब मैं यही यूज़ करती हूँ, मेरे घर पे थे तो मतलब आई थिंक 15-20 पेयर्स बहुत होता है, मतलब इतने यूज़ तो नहीं होंगे बट रख लिए मैंने। तो ये मेरे पेन है, और इसके अलावा ना मैं इसके साथ ना ये भी लेके जा रही हूँ टेप, मतलब कभी कुछ चिपकाना वगैरह होता है काम आ जाएगा आपके, तो इसको लेके चलो, या फिर डबल साइडेड टेप होता है ना वो भी ले जा सकते हो। और एक मैंने पाउच लिया है, इसमें अभी ना मैं एक पेंसिल, इरेजर, स्केल तो रख ही लूँगी, मतलब वो काम आ जाते हैं। तो ये अपना मतलब अपनी पढ़ाई के हिसाब से लेके जाना, वहाँ भी मिल जाते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इसे कैरी कर रही हूँ कि शायद ये सारा सामान आ जाए, और नहीं हुआ तो मैं कुछ कुछ, जैसे कि कपड़े हैं इसमें से कुछ कम कर सकती हूँ, जैसे ये सारा सामान है तो कुछ कुछ मैं काम कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं चीज़ें लेके जाऊंगी, मैंने वेट नहीं किया है। और इसके अलावा लैपटॉप भी, जैसे अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो वो मैं लास्ट में सबमिट करूँ, क्योंकि अभी मैं पढ़ ही रही हूँ, मतलब उससे काम वाम कर रही हूँ, तो वो मैं परसों पैक करूँगी, क्योंकि कुछ दिन बचे हैं अभी। इसके अलावा आपको चाहिए टावल, जैसे मैं आपको बताया था, तो एक ये मैंने याला टावल लिया है, कॉटन का है, बहुत पतला सा, इसमें वेट बड़ा कम है, तो आप इसे टावल ले सकते हो। आप हैंड टावल ले लेना जो छोटे वाले होते हैं, वो मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो वो मुझे मतलब मैं अपने घर से कैरी कर लूँगी, वो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, क्योंकि ना सारा मैंने नया लिया जो भी सामान है। इसके अलावा मेरे पास एक टावल ये वाला भी है, ये थोड़ा सा मोटा है, तो अगर सामान में मतलब जगह रही तो मैं ये लेके जाऊंगी वेट के हिसाब से, नहीं रहा तो मैं पतला वाला लेके जाऊंगी, क्योंकि वेट के हिसाब से ये सही है। ये हो गए। इसके अलावा आपको किचन का सामान चाहिए, उसके लिए मैंने कुकर रखा है, ये ना इंडक्शन वाला है, ठीक है, तो ये देख लेना, ये लेके जाना। और एक ये रखा है पैन, इसमें चाय भी बना सकते हो, वैसे तो कम बनाते, चाय या करी वरी बना सकते हो। और इसके अलावा एक तवा, ये तो सारा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो पे शो कर दिया था, ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा किचन में आप कुछ ना कंटेनर्स लेके जाओ, छोटे छोटे टिफिन, जैसे मैंने आपको दिखाए थे, तो एक मैं ये स्टील वाला टिफिन लेके जा रही हूँ, मेरे घर में था। एक ग्लास, एक छोटा ग्लास और रखा था मैंने, तो वो भी लेके जाऊंगी। एक थोड़ा सा बड़ा बाउल, एक छोटी कटोरी, इसमें मैं एक और ऐड कर दूंगी, तो 2 कटोरी, 2 चम्मच, 2 ग्लास तो होने चाहिए। फिलहाल तो मैं एक ही कड़छी लेके जा रही हूँ, ताकि सारा काम हो जाए, चावल का भी, ग्रेवी का भी, दाल का भी, इसको मैं बढ़ा सकती हूँ। मैंने 2 चम्मच रखी हैं, एक ये रखा है, ठीक है, चाय वाला,
मतलब ये ना मैं किचन का तो थोड़ा कम ही लेके जा रही हूँ, एक ही प्लेट है, एक मेरी थाली है, तो किचन का फिलहाल मैं इतना ले जाऊंगी। अगर जगह बची तो मैं कुछ एड ऑन कर सकती हूँ, वरना मैं नहीं करूंगी। इसके अलावा ये जो सारा सामान पैक होगा वो इन वैक्यूम बैग्स में होगा, तो ये 5 वैक्यूम बैग्स है मेरे। मैं आपको दिखा दूंगी, ब्लैंकेट मैंने रख लिया, इसको वैक्यूम नहीं किया है, वो बाद में करके दिखाऊंगी। इसके अलावा जैसे आप कॉलेज जा रहे हो तो वहाँ कुछ ना कुछ फंक्शंस वगैरह होंगे, तो आपको जैसे फॉर्मल्स के साथ साथ अपना कुछ एथनिक या ट्रेडिशनल चाहिए, तो मैंने साड़ी रखी हुई है। जैसे एक साड़ी मेरी ये है, ठीक है, और एक मैंने ब्लैक भी रखी है, तो अपने हिसाब से 2-3 साड़ियाँ आप रख सकते हो। तो मैंने ना ऐसे गोल्डन गर्लिश टाइप की कुछ 2-3 साड़ियाँ रखी है, ज़्यादा नहीं रखी, तो ये भी आप रख सकते हो साड़ी, या आप कुर्ती भी रख सकते हो। मैंने 1-2 कुर्तियाँ भी रखी है, ये एक ब्लैक कुर्ती मैंने रखी है ट्रेडिशनल वेयर के लिए, ये एक वाइट साड़ी मैंने रखी है प्लेन, और ये एक मैंने मंगाई थी ऑनलाइन ग्रीन कलर की कुछ कुर्ती है, ये भी मैं लेके जाऊंगी। मतलब ट्रेडिशनल वेयर के लिए इतना आप रख के जाओ। और इसके अलावा जैसे आप कॉलेज जाओगे या पार्ट टाइम जॉब जाओगे तो आप सामान कहीं ना कहीं कैरी करोगे, जैसे गर्ल्स यूजली टोट बैग यूज करती है, हैंड बैग यूज कर सकती है, वो भी आप लेके जा सकते हो, बट मुझे कम्फर्टेबल ना ये बैग सकते हैं। तो मैंने क्या करा ना, ये बैग ले लिया, और ये बैग मैंने कैंटीन से लिया, मेरे पापा मतलब आर्मी में थे तो हमारे पास कैंटीन से हम काफ़ी सामान ले सकते हैं। तो जैसे ये मतलब इसमें मोस्टली सामान मैंने वहीं से लिया था, तो ये बैग मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब मेरा प्लान तो नहीं था इसे लेने का, क्योंकि मेरे पास बैग्स पड़े हैं, तो मैंने ले लिया। अच्छा खासा स्पेस है, लैपटॉप रख सकते हो, तो टिफिन आपकी वाटर बॉटल वगैरह सब आ जाती है। इसी के साथ साथ आप ना ये किचन के सामान के साथ साथ बोतल भी रख लेना। तो मैं 2 बोतल लेके जाऊंगी, एक तांबे वाली छोटी है जो वो नहीं पावर वाली बोलते हैं या हाफ लीटर वाली जो बोलते हैं, वो लेके जाऊंगी। एक मेरे पास मिल्टन की जिसमें गर्म का पानी गर्म, ठंडे का पानी ठंडा, टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, वो लेके जाऊंगी। तो ये बैग भी आप रख सकते हो। अभी याले सेक्शन में आ जाते हैं, वहाँ सर्दियाँ रहेंगी ना, मुझे सर्दी वगैरह सूट नहीं करती, तो सर्दियों के लिए मैंने यहाँ पे मैं कुछ हाईनेक्स हैं, थर्मल आप लेके जाना, ठीक है, हाईनेक आप लेके जा सकते हो, सारे मतलब आपके आउटफिट में काम आ जाता है, ब्लैक हो वाइट हो, तो मैं लेके जा रही हूँ। इसके अलावा आप ना थर्मल ज़रूर लेके जाना, मतलब बोलते हैं ना गर्म इनर्स जो होती है, ये मैंने ना 2 पेयर रखी है, काम आ जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कपड़े कब धोने को मिलेगा। ये एक मैंने रखी हुई है विंड शीटर, तो ये मैंने डिकैथलॉन से ली है, तो आप एक विंड शीटर रख सकते हो। इसके साथ आप जैकेट्स भी रखना और स्वेटर्स भी रखना। तो ये मेरा मतलब विंटर्स के लिए है। ये एक और थर्मल है, इसके अलावा एक ये मतलब स्वेटर टाइप ही है, और एक ये वाली स्वेटर है, ये मतलब ना थोड़ा इधर उधर जाने लायक है, बट जैसे कि अभी घर में भी विंटर्स रहेंगे तो मैंने आपको बताया था, उसके लिए आप कुछ ऐसे ना फरी फरी या फिर विंटर वार्म करने के लिए वो घर में पहन सकते हो। तो ये मैंने लिया है विंटर्स के लिए, ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं इनको मतलब यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा आपको प्रिस्क्रिप्शन लेके जानी है। प्रिस्क्रिप्शन गाइस अभी मैंने बनवाई नहीं है, क्योंकि अभी मेरा ऑफिस भी चल रहा था तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो प्रिस्क्रिप्शन मैं विद इन 2-3 डेज मतलब बना दूंगी, मंडे ट्यूजडे में मैं बनवा दूंगी। प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना। इसके अलावा देखो जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, कोई भी सीड्स वाली चीज़ आप लेके मत जाना, ड्राई फ्रूट्स आप लेके मत जाना, प्लांट्स वगैरह मत लेके जाना, कोई भी चीज़ जिसमें मिल्क कंटेन हो वो आप लेके नहीं जा सकते, रेस्ट्रिक्टेड है। इसके अलावा हाँ, आप कुछ लिक्विड वगैरह लेके जा सकते हो अपने, मतलब वो जो कैरी ऑन बैग होता है ना, आपका कैबिन बैग होता है, उसमें आप थोड़ा बहुत रख सकते हो। उसकी भी कंडीशन से 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, तो वो मैं मेंशन कर दूंगी, आप वो लेके जाओ। बट अगर आप मतलब अपने अपने से लगेज बैग में जो आपको चेक चला जाता है ना, बैगेज वाले, ये 2 मेरे जाएंगे चेक बैगेज में, और ये होगा मेरा कैबिन वाला छोटा, तो इसमें मैं नहीं लेके जा सकती। बट इनमें हम लिक्विड लेके जा सकते हैं, लिक्विड फेस वॉश लोशन ये सब आप लेके जा सकते हो। तो ये मेक श्योर करना कि आप जो भी सामान लेके जा रहे हो उसकी क्वांटिटी भी डिपेंड करती है। इसके अलावा सूट साड़ी वगैरह आप सब लेके जाओ। शॉर्ट्स रखना, शॉर्ट्स मतलब मोस्टली लोग बोलते हैं कि काम आता है, अगर आप यूज टू हो शॉर्ट्स पहनने के तो वेल एंड गुड आप लेके जा सकते हो। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत सामान वो दिखाती हूँ ना, जो थोड़ा ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह होता है लड़कियों का, वो भी मैं शो करती हूँ। गाइस ये वैक्यूम बैग है, ठीक है, जिसमें मतलब सामान तो मैं सारा वैक्यूम बैग में ही डालूंगी। इसमें मैंने कुछ ब्लैंकेट वगैरह डाले थे, तो मैं निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ और भी इसमें डालना है। तो आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा ब्लैंकेट लेके जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये चादर है, ये ना ये डबल वो नहीं होती डबल बेड वाली चादर है, वैसे डिज़ाइन तो क्या ही दिखाना, मैं फिर भी दिखा देती हूँ। बट ये वाइट है, कोशिश करना ऐसे कलर लेके जाओ जो गंदे भी हों तो मतलब दिखे ना। तो ये हमने नई ली थी, और ये थोड़ा ना मोटा कॉटन है,
तो बट ये हैवी है बट अच्छा है, क्वालिटी वाइज है तो लेके जाना। इसके अलावा मैं एक लेके जा रही हूँ ये वाला ब्लैंकेट, और पहले उससे पहले ना ये था, ये ना गर्म चादर है, इसको विंटर्स में मतलब जहां मैं रहती हूँ ना वहां भी बहुत विंटर्स होती है, ठीक है, हिल स्टेशन में। तो हम ये करते हैं ना, इसको या तो आप बेड में बिछा सकते हो, ये बड़ी है बहुत, इसको बेड में बिछा लो सो जाओ, और उसके ऊपर से कंबल, या फिर जब आप कंबल ओढ़ते हो कंबल से पहले इसको ओढ़ लो उसके बाद कंबल ओढ़ लो, तो कुछ भी कर सकते हो। तो ये मैं लेके जा रही हूँ, इससे काफी वार्म रहता है। और उसके बाद ना ये मैं बताती हूँ, ये सिंगल बेड का है सबसे पहले, ये डबल बेड नहीं है। इसका वेट सबसे कम था क्योंकि जो भी कैटेगरी हमारे पास होती है तो कुछ इस टाइप का इसका वेट है, ये नॉर्मल एक बंदे के लिए। इसमें आप कंफर्टर ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ब्लैंकेट ले सकते हो, रजाई ले सकते हो, या फिर ये वाले कंबल ले सकते हो। हम लोग के स्टेशन में यही मतलब हम लोग यूज करते हैं, तो मैं यही लेके जा रही हूँ, क्योंकि ना ये 1 kg भी नहीं है तो ये बहुत लाइट वेट है। इसके साथ कल ही मैंने स्मार्ट पॉइंट से एक और चीज खरीदी, ये हल्की वाली ना ब्लैंकेट, मतलब ओढ़ने के लिए ही है, बहुत लाइट वेट है, मतलब ये तो पता नहीं कितनी हल्की होगी ये, पर ये गर्म है, ये गर्म वुलन से बनी है, खुल भी नहीं रही है ये। तो इसको ना आप ऐसे यूज कर सकते हो, कंबल के अंदर से भी यूज कर सकते हो, जहां पे आप सो रहे हो वहां पे से बिछा दो फिर सो जाओ, मतलब आपको गर्मी मिलेगी। तो सर्दियों के लिए थोड़ा सा अपना बचाव करके जाओ। और ये मतलब इतना वेट मेरे उसमें आ जाएगा, मेरा 45+7 है इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से ना वेट के हिसाब से लेके जाना। तो अभी जैसे पास मैंने वैक्यूम बताया, इससे भी एक बड़ी वैक्यूम वाली पन्नी है लार्ज, उसमें मैं ये सारा कुछ डाल के कुछ कपड़े भी डालूंगी, आराम से आ जाएगा। अभी मैं आपको कुछ और चीजें दिखाती हूँ कि आपको और क्या क्या लेके जाना चाहिए। अभी बात करते हैं सबसे पहले गर्ल्स के सैनिटरी पैड, तो मैं घर से लेके जा रही हूँ। अगर वेट हुआ तो ये चारों पैक ले जाऊंगी, नहीं हुआ तो नहीं लेके जाऊंगी, पर कुछ दिन के लिए लेके जाओ। एक ही नॉर्मल हैंडबैग है, तो आप क्या करना कुछ ऐसे बैग भी कैरी कर लेना ताकि ज्यादा हैवी ना हो, वहां आप अगर मार्केट जा रहे वगैरह तो ये काम आ जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास रखा था तो मैं ये लेके जा रही हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ कैप्स और ना ये नेक वाले नहीं होते जो कान भी बंद करते हैं और नेक भी, तो वो लेके जा रही हूँ ये। तो ये मैं दो दो पेयर लेके जा रही हूँ अपने लिए। इसके अलावा ये मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया पहली बार कुछ, तो मैं इसे लेके जा रही हूँ अपने साथ और ऋषिकेश गया था घूमने, तो ये डिजाइनिंग वगैरह ऐसे हिल स्टेशन की होती है, तो वो लेके आया था। ये वेस्ट बैग है तो इसको भी मैं लेके जाऊंगी, मतलब यूज अभी नहीं करूंगी, कभी मौका मिला तो कर लूंगी, इसलिए मैं इसे लेके जा रही हूँ। इसके अलावा पाउडर आप लेके जा सकते हो। इसके बाद बर्तन धोने वाले, ये से स्कॉच ब्राइट बोलते हैं, जुन भी बोलते हैं हमारे यहाँ अदर लोकल लैंग्वेज में, तो मैं दो लेके जा रही हूँ। मम्मी भी हंस रही है, दो ले जा ही सकती हूँ, चार लेके आई थी बर्तन, ठीक है, वो स्टील वाले भी लेके जा सकती हूँ, बहुत चल जाएंगे। और ये है ब्रश, ब्रश तो ना शायद मैंने उसमें रख भी दिए थे ये पैक वाले में, पर देखूंगी ये तो, मतलब 3-4 ब्रश तो आप रख लो। अब जैसे हमारे ना कैंटीन से खट्टा सामान आ जाता है, तो मेरे घर में जितना तो मुझे लग रहा है कि मैं सारा लेके जाऊं, तो इसलिए मैंने ज्यादा क्वांटिटी रख ली है। मैंने कल चेक किया हम हैंड वॉश वगैरह लेके जा सकते हैं, तो मम्मी मैंने ना ये भी रख लिया छोटा वाला, इसलिए एक डब्बा दे देना, तो मैं हैंड वॉश लेके जा रही हूँ। इसके अलावा खाने के नाम पे मैं सिर्फ कुछ मैगी ले जा रही हूँ, 4-5 पैकेट, और आप ना पैक्ड सामान लेके जा सकते हो, कुछ भी ऐसा जिसमें कुछ मीट ना मिला हो, और आपका ये दूध वगैरह आप लेके जा सकते हो, तो इसलिए मैं मैगी लेके जा रही हूँ 5 पैकेट। इसके अलावा ये एक अडेप्टर मैंने आपको दिखाया था, अडेप्टर लेके जा रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे है नहीं, मैं अभी यूज कर रही हूँ उन्हें। इसके अलावा ये चिमटी, ये मैंने पूरी निकाली थी, पता नहीं किसने यूज की, आपने की नहीं, इसमें से कहाँ गई, पापा ने दे ली क्या, दीदी लेगी सर, नहीं ये तो परसों पूरी नहीं थी, पता नहीं, मतलब ये ना चिमटी होती है कपड़ों वाली, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें 12 थी, तो पता नहीं किसी ने घर से निकाल ली और अब मेरे पास सिर्फ 8 ही बची है, तो 8 ही लेके चल जाती है। और है क्या हमारे पास, इतने ही होंगे, नहीं है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं लेके जा रही हूँ एक डिटॉल, यार मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, मैं एक बार ना मैंने कल रात अच्छे से चेक किया था तो ले जा सकते हैं, बट मैं फिर भी इसके कुछ लाइक एलिमेंट्स वगैरह चेक कर लूंगी लिक्विड वगैरह के हिसाब से, ये मैं हटा भी सकती हूँ ले जा भी सकती हूँ, तो ये 100% नहीं है, पर मैंने रख लिया। इसके अलावा एक और शैम्पू है, तो मैं 2 शैम्पू कैरी करूंगी अपने बैग में, लगेज बैग में आप कितना भी रख सकते हो, इतना वो कुछ नहीं होता। ये एक पिलो मैंने आपको पहले दिखा दिया था। इसके अलावा
मैं ये दो नमकीन लेके जा रही हूँ, एक ये वाली और इसमें एक थी पीनट वाली, मैं वो लेके नहीं जा रही क्योंकि बोलते ना नट्स वगैरह मतलब अलाउ नहीं होता, तो इस वजह से मुझे था कि निकाल देंगे कुछ इश्यू आएगा तो मैंने हटा दिया। इसके अलावा हाँ मैंने ये भी रख लिया था स्टील वाला, एक जूने स्टील वाला भी रख लिया, इसको हटा भी सकते हो ले जा भी सकते हो। इसके अलावा अभी सबसे पहले आपको चाहिए स्लिपर्स, तो देखो मैंने शूज दिखा दिए थे, ये कुछ नॉर्मल प्लेन वाली चप्पल है ये मैंने रख ली। उसके बाद ये वाली जो है ना ये घर पे पहनते हैं, जैसे मैंने अभी भी ये पहनी है, तो इससे क्या होता है ना आप इसे घर के अंदर पहन सकते हो, ये गर्म रहती है। मुझे नहीं पता इसको वैसे इंग्लिश में बोलते क्या, बट ये स्लीपर्स ही होती है, बेडरूम स्लीपर्स बोलते हैं। ये लेके जा लो अगर आपको चप्पलों की आदत है, बट अगर आपको शेयर्ड में रहना है कुछ रहना है तो आप वो गंदे से बाथरूम वाले चप्पल यूज नहीं कर सकते, तो आप बेडरूम चप्पल्स यूज कर सकते हो, इसे बाहर मत ले जाना, तुम्हारे घर पे हम सब यही यूज करते हैं। मैंने एक पेयर इसका रख लिया। इसके अलावा मैंने एक चप्पल रखी है एक जोड़ी, मतलब नॉर्मल बाहर जाने के लिए, और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना टेबल लैम्प भी लेके जाऊं, तो ये ना इसे चार्ज करना पड़ता है, मैं इसका चार्ज पूरा हटा दूंगी फिर इसे ले जाऊंगी, पर ना ये चीज मैं तब लेके जाऊंगी जब मेरे पास वेट बचेगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा वेट बचेगा। इसके अलावा मैंने कपड़े सारे कवर कर दिए, एक डॉक्यूमेंट्स बचता है और क्या बचता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो देखो डॉक्यूमेंट्स में मैंने फाइल बनाई है, मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसी आपको फाइल लेके जानी है, एक इंडेक्स बना लेना एक पेज में कि ये चीजें सीक्वेंस वाइज मैंने रखी है, आपकी COE, आपका वीजा, आपका ऑफर लेटर, फिर आपका लाइक इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद आपकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगी थी ना ये ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के टाइम पे, सब लेके जाना, मैं सारा कुछ लेके जा रही हूँ। और मेन लाइक मेन चीज इज योर पासपोर्ट, तो पासपोर्ट कैरी कर लो, मैंने पासपोर्ट का कवर भी खरीदा है वो आपको मैं शो कर दूंगी साइड में, उसमें अपना पासपोर्ट रख दूंगी। अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना, ATM का तो मुझे नहीं लगता बट देखते हैं अब लेके जा सकते हो, अगर एक दो SGFC वगैरह के लेके चले आना। फॉरेक्स कार्ड बनवाना मेरा बनने वाला है, मैं शो कर दूंगी। इसके अलावा आपको लेके जाना अपना पैन कार्ड रख लेना, काम आता है एयरपोर्ट पे, आधार कार्ड अपना लेके जाना, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स में रखनी है। इसके अलावा जैसे फाइनेंशियल फंड जो भी अपने पूरा मतलब मैनेज किया था ना अपना डॉक्यूमेंट, वो सारा कुछ लेके जाओ, 10th 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, ग्रेजुएशन वगैरह, वो सब कुछ लेके जाना। रेज्यूमे अगर चाहो तो बना करके यहीं से 2-3 प्रिंट लेके जाना, मैंने बना दिया है फॉर्मेट में दिखा दूंगी, और उसे मैं डाउनलोड करके सोच रही हूँ कि यहीं से लेके चले जाऊं। इसके अलावा बचता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले बताती हूँ आपके पास लैपटॉप है लेके जाओ, मेरे पास लैपटॉप का चार्जर है दिए जी, उसके बाद आपके मोबाइल, तो मेरे पास दो मोबाइल है, एक एंड्रॉइड और ये वाला है, मतलब मेरे पे एक और है तीसरा वो मैं लेके नहीं जाऊंगी, तो मैं एक ये मेरा आईफोन जिससे मेरी मम्मी शूट कर रही है, और इसके अलावा एक मैं अपना एंड्रॉइड लेके जाऊंगी। दोनों के चार्जर है मेरे पास, केबल वगैरह वो हो गई ठीक है, एक दो ये चीजें। इसके बाद मेरे पास मेरे एयरपॉड्स है, तो वो मेरे को लेके जाना है, उसका चार्जर लेके जाना है। मेरे पास हार्ड डिस्क भी है, हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क का मतलब जो वायर होती है वो लेके जानी है। मेरे पास हार्ड डिस्क के अलावा वो भी है पावर बैंक भी लेके जाऊंगी, पावर बैंक ना अपना कैरी ऑन बैग में लेके जाऊंगी, जितने भी आपके सेल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वायर ये सारा आप अपना कैरी ऑन बैग में लेके जाना, जो आपके साथ आपके प्लेन में जाएगा, जो आपके पास रहेगा तो आपको दिखाने पड़ेंगे, तो ये सारा। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लाइक और ऐसे गैजेट्स मेरे पास है ही नहीं, मेन मेरे पास ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थोड़ा सा ज्यादा है, और कुछ एक्स्ट्रा केबल्स लेके जाना, फोन का गार्ड होता है ना उसका गार्ड अगर वो टूट चुका है तो वो जरूर लेके जाना, एक दो एक्स्ट्रा मेरे फोन के टूटते रहते तो मैं दोनों में भी नया लगवाऊंगी, वो लेके जाऊंगी। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज नहीं दिखाई वो कि ये है, तो किचन के लिए एक ये आप लेके जाना ठीक है, बेलन, और अगर मैंने बताया था ना जैसे अगर पूजा वूजा करनी है तो एक लोटा मतलब जल जलाने के लिए, ये मैंडेटरी नहीं है पर आप ले जा सकते, और एक घंटी ठीक है, ये मैं मंदिर वाले डब्बे में डाल दूंगी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी मंदिर का सामान, किचन का सामान, साफ चीजें जो कॉपी किताबें एक ये वाले इसमें डालू, इस वाले बैग में, इसमें मैं डालूंगी ब्लैंकेट, सारे कपड़े, और ये जो ग्रोसरी का सामान है क्रीम वगैरह वो भी यहाँ डालूंगी। इसके अलावा गाइस क्रीम मैंने सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर अभी नहीं लिया, लोशन वगैरह सारा ले लिया है, तो वो मैं लूंगी क्योंकि मैं ज्यादा यूज नहीं करती, तो मुझे मतलब मैं इसमें आपको एडवाइस भी नहीं कर सकती कौन सा लेना चाहिए, वो आप किसी और से पूछ लेना, किसी और से मीन्स जिसको अच्छी नॉलेज है इन चीजों की। लिपस्टिक मैंने रख ली है जो कि मैं कैरी करती हूँ। तो इसके अलावा मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ आपको दिखा दिया, बाकी मैंने एक चीज खरीदी थी मतलब ऐसे ही खरीद ली थी, मुझे ऑनलाइन दिखी थी ये, तो इसमें क्वेश्चन इज की क्या रखेंगे, मेरी मम्मी यही पूछी थी, लिया क्यों है, 100 रुपए का लिया था, इसको मैं लेके जाऊंगी। तो हाँ आप ना एक काम करना, अपने साथ कुछ सॉफ्ट टॉयज जैसे अगर आपको आदत है एक दो चीजें आप लेके जा सकते हो अपने रूम वगैरह के लिए, बट देख लेना कि
जगह है नहीं है, जगह है तो ही लेके जाना। तो ये सारा अपने देख लिया कि ये सारा सामान है, ठीक है, ये सारा कुछ, और थोड़ा बहुत यहाँ भी फ्राई क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था। उसके अलावा ये सारा कुछ पर्सनल हाइजीन का, ये सारा कुछ, उसके बाद थोड़ा ये बैग वगैरह थे, ये सारे बैग, और उसके बाद ना आप कुछ जैकेट्स रख लेना मेरे। मैं एक रेड एक ब्लैक जैकेट ले जा रही हूँ, अभी मैंने दिल्ली जाना है शायद, अगर मैं जाऊँगी तो वहाँ से मैं एक दो कोट और उठा लूँगी, मतलब थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा तुम्हारा लेके जाऊँगी, एक कोट तो लेके ही जाऊँगी, कोट नहीं मेरे पास, तो ये तो मैं लेके ही जाऊँगी। अब आज क्या करेंगे ना, जैसे मम्मी और मैंने शूट सारा कर लिया कि क्या क्या मेन मेन चीज़ें सामान है आपके लिए, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पैकिंग शुरू कर दूँगी। मतलब आज मैं और मम्मी, मेरी मम्मी बैठ करके ना ये सारा बैग में फिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पापा मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे एक महीने से कि सामान रख ले सामान रख ले, नहीं रखा नहीं, तो मेरे पापा जाने वाले हैं, उससे पहले हम ये सारा सामान पैक कर देंगे ताकि पता चल जाए वेट कितना हो रहा है और क्या क्या सामान लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वाली फाइल थोड़ी मेरी हैवी है, वो मैं इसमें लेके जाऊंगी। ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगी कि कौन से बैग में मैंने क्या क्या सामान रखे हैं। तो गाइज ऑलमोस्ट आपने शॉपिंग मेरी देख ली। अब कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहती हूँ, जो शॉपिंग में ना वहाँ पे चीज़ें नहीं थी क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। सबसे पहले बारिश वगैरह होगी तो उसके लिए आप चाहे तो रेनकोट ले लो या ये छाता ले लो, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, ये मतलब इस टाइप का, ये ना पिंक कलर आया, मतलब ये कोई रैंडम कलर आना था, तो मुझे बेसिकली पिंक तो पसंद नहीं है, पर ये आ गया, मैं इसे एक्सचेंज नहीं करवाऊंगी क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है, मतलब मेरे पे ना कुल मिला के 10 दिन से कम ही है, तो छाता ले लेना, एक ही छाता मैंडेटरी है। इसके अलावा गाइस ये ना, मतलब मैं इसको खोलूंगी नहीं, मैंने इसे पैक कर दिया है, ये ना टेम्पर्ड ग्लास है जो आपके मोबाइल का होता है ना, मेरे मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास बहुत ज़्यादा टूटा है, जिस वजह से मैंने दो कैरी कर लिया अपने साथ, ही मैं चेक बैगेज में डाल दूंगी। इसके अलावा एक मैंने लिया है मग, क्योंकि उस टाइम मैंने नहीं डाला था, ये ऑनलाइन है तो इसमें अगर आप गर्म चीज़ रखोगे तो थोड़ा गर्म रहेगी, मतलब कॉफ़ी चाय वाय के लिए आप लेके ले जा सकते हो। इसके अलावा आपको एक चीज़ याद होगी कि हम मेडिकल रिलेटेड चीज़ें लेके जा सकते हैं बट प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैंने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा ली है, ठीक है, तो इसके हिसाब से ना डॉक्टर ने इसमें 1 मंथ मेंशन किया है, और दवाइयाँ इसमें उसे क्या क्या मेंशन करी हुई है, एक तो पैरासीटामॉल हो गई, सर दर्द बुखार की पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, उसके बाद एसिडिटी और ORS भी दे दिया था मुझे उन्होंने। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना सारी मेडिसिन इसमें डाल दी है, ये मैंने कंटेनर नया ख़रीदा, मतलब ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे तो मुझे आज ही आए हुए, तो ये सारे मतलब दवाइयाँ मैंने इसमें डाल दी, और मैंने लिख लिया है कौन सी दवाई किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, तो आप ऐसे कर लेना। ये दवाई से रिलेटेड है, ये एक मूव है अगर आपके जॉइंट वॉइंट में, मतलब वो स्प्रे नहीं करते हैं वो वाला, ये वो है, मतलब मैंने ऐसा नहीं यूज़ किया बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। और ये है खांसी की दवाई, तो खांसी की दवाई की दो सिरप थी, मैं एक ही लेके जाऊँगी। ये सेवलॉन है, छोटा सा कैरी कर सकते हो, मतलब आप छोटा सा एक फर्स्ट एड बॉक्स भी बना सकते हो। और इसके अलावा जैसे मुझे सर्दी में थोड़ा सा एलर्जी है डस्ट से और साइनक है, तो उस वजह से मेरी ये स्प्रे चल रही है, तो इस स्प्रे के लिए मैंने क्या किया, डॉक्टर से बोला ना कि आप इसी में लिख दो, तो उन्होंने ना यहीं पर ही लास्ट में यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दी, तो अगर मुझसे वो पूछते भी हैं तो मैं ये अपनी प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकती हूँ मेरे नेम से। तो मैंने ना इसकी 3 ले ली है, तो आप लेके जा सकते हो, ये चेक बैगेज में डाल देना। इसके अलावा अभी मेरी मम्मा मेरे ना ताले भी लेके आई है, मतलब मुझे नहीं पता, वैसे तो वहाँ के दरवाजों में लगेंगे, बहुत छोटे हैं क्योंकि वहाँ का तो अलग सिस्टम होता है, बट हाफ फॉर योर सिक्योरिटी पर्पज़ अगर आप अपने बैग वगैरह में लगाना चाहते हो तो आप अपने लेना, 2 से 3 रख लेना, क्या पता आपको कब काम आ जाए या कुछ भी हो। तो ऐसे मेरी मम्मी मेरे 3 लेके आई है, ठीक है, ये अभी लेके आई इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा आपको लेके जाना है सुई धागा, ये छोटे छोटे कंटेनर, ये मैंने 5 कंटेनर मंगाए थे, ऐसी 3 आए हैं और 2 ये वाले हैं, तो मैं सिर्फ एक ये लेके जाऊंगी, 2 ये वाले लेके जा रही हूँ ताकि कुछ लिक्विड वगैरह अगर मैं कैरी करूँ तो गिरे ना, फिलहाल मैंने मतलब ये स्पेस बचाने के लिए ऐसे कर लिया है। तो इसके अंदर है सुई और धागा, तो धागे आप ले लो, जैसे ब्लैक ले लो, वाइट ले लो, रेड ले लो, मैरून टाइप का, और ब्लू ले लो। इसके अलावा इसमें है सुई, तो ये ध्यान रखना ये आपके कैबिन बैग में नहीं होना चाहिए, तो ये सारा सामान भी मैं उसमें डाल दूंगी। इसके अलावा मैंने एक छोटा सा टेप और कैरी कर लिया, मुझे मिल गया था तो मैंने ये भी रख लिया, ये है। और गाइस इसके अलावा एक चीज़ और है जो दिखाना चाहती थी, मैंने बताया था ना कि मैंने पासपोर्ट कवर लिया है, तो ये वाला लिया, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, फिर वॉन्ट आप ये ले सकते हो। इससे क्या होगा ना, थोड़ा ईजिली अपने मेन डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर रख सकते हो। तो मैंने अभी तो फिलहाल यहाँ पर अपना सिर्फ एक ये लाइक पासपोर्ट रखा है और एक ये फोटो है यहाँ पे, ये स्टे की नोट्स है। तो ये आप अपने लाइक कंफर्ट के हिसाब से, अगर आपको लेना है आप ले लो, नहीं लेना है तो आप नॉर्मल अपने बैग वैग में भी कैरी कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ टॉयट्री बैग, मैंने आपको बताया था, तो ये भी मैंने मतलब फिलहाल तो फिल कर लिया है, बट मैंने क्या करा ना, अगर आप कोई भी लिक्विड लेके जा रहे हो तो लिक्विड अगर आप अपने कैबिन बैग में रखोगे तो वो लिक्विड की एक बॉटल आपकी 100 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नो मैटर आपका बॉटल कितना भी मतलब बड़ा हो पर उसमें लिक्विड बहुत कम हो, बट वो कंसिडर पूरा ही किया जाएगा, तो वो आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे। तो मेरा तो बेसिकली मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा है टॉयट्री बैग में, इसमें बस मैंने अपनी एक दो लिपस्टिक रखी, वो भी ना मतलब
10 ml की होगी हार्डली, उससे ज़्यादा तो इसमें मैंने रखा नहीं है, बाकी वही नॉर्मल सा स्टफ क्लचर वगैरह रखे हुए हैं। हाँ मैं आपको बता रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे ये हो गया अडेप्टर हो गया, लैपटॉप हो गया, पावर बैंक हो गया, उसके बाद आपका हार्ड डिस्क हो गई, लैपटॉप हो गए, वायर, वो सब आपको सेपरेटली रखना है। मैंने ना अभी अपनी कैबिन बैग को मतलब पैक नहीं किया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने सही से शॉर्टेड नहीं किए थे, तो वो भी मैं कर दूंगी। डॉक्यूमेंट्स से याद आया कि गाइस आपको डॉक्यूमेंट फाइल दिखानी है, सबसे पहले ऐसी फाइल ले लेना ये, तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर सकते हो। मैंने ऐसे मैं तो मेंशन किया हुआ है नेम वगैरह, इन केस अगर ये खो जाती है तो आपको वापस आ जाए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले ना मैंने इसकी वो बना ली है, मतलब ये जो आपको फर्स्ट पेज दिख रहा है इसे मैंने मेंशन कर लिया किस पेज में मेरी कितनी चीज़ें हैं और किस चीज़ में क्या है। तो मैं बताती हूँ, सबसे पहले मैंने रखा हुआ अपना पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट और सीओई। ये चार पांच चीज़ें तो मुझे मतलब मैं जब जाऊँगी ना हैंडी रखूँगी एकदम। पासपोर्ट आप फोटो स्टेट भी रख लेना और मेन तो आपकी होगी होगी, वीज़ा की पूरी आप स्टेटमेंट उसको फोटो स्टेट निकाल लेना, टिकट हो गई और आपकी सीओई, और सीओई के साथ ना मैंने मैक्स का वैक्सीनेशन भी रख दिया, उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था तो वो चीज़ें ना मैंने रख दी है ताकि मांगे तो वो हो जाए। तो ये मेरा वीज़ा है। उसके बाद गाइज इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है मेरा प्लेन का टिकट, प्लेन के टिकट के बाद मेरी सीओई, और सीओई के बाद मेरा ये जो ई मेडिकल होता है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत लोगों पे नहीं भी होगा जिसने मैक्स करा, अगर नहीं है तो डोंट वरी, ऐसे टेंशन मत लेना कि हमारे पास नहीं हमारा क्या होगा, ठीक है ये कर लिए। इसके बाद मैंने रखा हुआ अपने पास ऑफर लेटर, आप अपना ऑफर लेटर का फोटो स्टेट करा के ले जाना पूरा, मैंने सेल्फ अटैच करके यूनिवर्सिटी को भेजा था तो मेरे पास मेरा ऑफर लेटर है, मतलब थोड़ा सा दिखा देती वैसे मैं आपको, ये मेरा ऑफर लेटर है। ऑफर लेटर वगैरह के बाद गाइज ये मेरा एफिडेविट है, इसमें मैंने बैंक से रिलेटेड स्टेटमेंट्स वगैरह सारे कुछ इसी में ही एड ऑन कर लिए। ये मेरा यूनिवर्सिटी से मुझे एक वो मिली थी, जो मेरी डिग्री थी ना वो हाफ रिटर्न हाफ डिजिटल थी, तो उसके भी हाफ एक एप्लीकेशन बनाई थी। उसके अलावा मेरी मेन डिग्री है, फिर ये मेरे पूरे सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स हैं, ठीक है ये मेरा स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, मेरे पास सब मैंने मेंशन रख लिया। इसके बाद मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह किए थे और ये मेरे एनसीसी के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे मैंने रख लिए। और उसके बाद अगर कि ये कुछ मेरे मतलब ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैंने रख ली। इसमें जो मिसिंग है अभी मेरी गाइस वो है मेरा मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि मतलब ये मैंने घर से ही निकलवा लिए थे कुछ प्रिंटर था तो, बट उसमें ना अच्छी नहीं आ रही वो कलर, मतलब अब तो मैंने बता नहीं कहाँ रख दी, तो उसको मैं दोबारा से मतलब प्रिंट करवाऊंगी, तो इसमें सिर्फ अभी वो मिसिंग है। इसके अलावा 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट और आपका ऑफर लेटर कंडीशनल, मतलब अनकंडीशनल की ज़रूरत नहीं है, अनकंडीशनल रख लो, अनकंडीशनल ऑफर लेटर, और इसके अलावा आपका वीज़ा जो आपका ग्रांट हुआ है वो, और सीओई होनी चाहिए, आपकी प्लेन टिकट की फ़ोटो वगैरह सब कुछ लेके जाना। तो मैंने ना पूरी फ़ोटो स्टेट निकलवा करके पूरी फाइल में अरेंज कर दिया है ताकि वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा गाइज मैंने एक चीज़ और की ना, मैंने ऐसे मतलब मैंने बताया था ना ऐसे कुछ कंटेनर रखे थे, बट अभी मेरे उसमें ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं क्या करूँगी 2-3 कंटेनर ये रख लूँगी और इसी के भी आप पे 2-3 डिफरेंट है वो लेके जाऊँगी ताकि अगर कुछ लिक्विड वगैरह स्टोर करना हो या कुछ खाना वगैरह स्टोर करना हो तो मेरे पास इनफ कंटेनर तो हो। तो आप वेट के हिसाब से देखना। एक वीडियो मैंने डाला था कि मैंने फ्लाइट कहाँ से बुक कराई थी, मलेशिया एयरलाइन से, वो आप चेक कर लेना कि मेरे को 45 kg प्लस 7 kg का जो लगेज है वो अलाउ किया था, तो वो आप भी कर सकते हो। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लेट में खरीदी थी, तो मैंने सोचा ये भी एड ऑन कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद हैंड बैग जो है मैं वो सेपरेटली लूँगी ताकि हैंडबैग थोड़ा बड़ा हो जिसमें थोड़ी और चीज़ें आ पाए। तो देखो मैंने आपको सारी चीज़ें इन डिटेल बता दी, अब इसमें से आप कुछ काउंट्स बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, बट क्या क्या चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड है प्रोहिबिटेड है जिसको ले जाना ही नहीं है ले जा सकते हो, उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी स्पेसिफिक चीज़ बता दूंगी। बट कोई भी दूध से मिला हुआ, नॉनवेज वगैरह, नट्स वगैरह, प्लांट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते, कैरी नहीं कर सकते, सो वो मैं बाद बताऊँ। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।